बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। बहराइच से सांसद सावित्रीबाई का ये बयान योगी सरकार के अयोध्या में राम की प्रतिमा बनाने की घोषणा के बाद आया। सांसद ने कहा कि अयोध्या बुद्ध की कर्मस्थली है, इसलिए वहां बुद्ध की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। सावित्रीबाई ने विवादित स्थल में हुई खुदाई के दौरान निकाले गए अवशेषों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां मिले अवशेष बुद्ध से जुड़े हुए थे। संविधान के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी होगा। हम तो कहना चाहते हैं कि अयोध्या में जब अयोध्या में मंदिर की जब खुदाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि साक्ष्य के आधार पर ही हम मंदिर बनाएंगे, तो जब मंदिर की खुदाई हुई तो तथागत गौतम बुद्ध जी की वहाँ शेष निकले, इसलिए अयोध्या में तथागत गौतम बुद्ध जी की ही प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। बिहार के कैमूर में एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसके बाद लोग उसमें अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसके पास मौजूद शराब की बोतलें लूटने लगे। बताया गया कि बाइक सवार अवैध तरीके से शराब ला रहा था, लेकिन इस दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया और उसके थैले में रखी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं। लेकिन वहां मौजूद लोग घायल लड़के की मदद करने के बजाय शराब की बोतलें उठाने में जुट गए। इस दौरान घायल लड़का सड़क पर ही पड़ा रहा और गाड़ियां उसके आसपास से निकलती रही, लेकिन किसी ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। हालांकि बताया गया कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही लोग शराब की बोतलें लेकर भाग गए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए नई रणनीति अपनाई। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली अपने अफसर वाले इलाकों में जमीन में गहरा गड्ढा कर उनके अंदर छिपाकर नुकीली लकड़ियां लगा रहे हैं, ताकि जंगल में तलाशी अभियान के दौरान जवान उन गड्ढों में गिर जाएं और नुकीली लकड़ियों की चपेट में आकर घायल हो जाएं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि छत्तीसगढ़ के नक्सली विस्फोटकों की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए जवानों को निशाना बनाने के लिए वो ऐसी तरकीबों को अपना रहे हैं। नक्सलियों की शातिर चाल का पर्दाफाश तब हुआ जब गश्त पर निकला एक जवान ऐसे ही गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। हालांकि सुरक्षा बल ने नक्सलियों की नई चाल कामयाब होने से पहले ही उसे नाकाम करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। राहुल वहां कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन अपने रोड शो की शुरुआत से पहले वहां के गुरुद्वारे पहुंचे। इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गुरुद्वारे पहुंचे राहुल गांधी ने वहां मौजूद एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उससे बात करने लगे। बच्चे को लिए हुए राहुल गांधी गुरु ग्रंथ साहिब के सामने पहुंच गए। इस बीच राहुल ने अपनी जेब से पैसे निकालकर दरबार साहिब में चढ़ाए और सिर झुकाया। इस दौरान गुरुद्वारे की तरफ से भी राहुल गांधी को एक तलवार भेंट की गई। गुरुद्वारे में राहुल को लोगों ने घेर लिया और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटा दिया, जिसके बाद गुरुद्वारे से बाहर आने के बाद वहां मौजूद महिलाओं ने उनके साथ जमकर सेल्फी ली, जिसके बाद राहुल वहां से रवाना हो गए। छठ की तैयारियों के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने घाटों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सोनिया विहार में खुद पानी में घुसकर कचरा निकाला। मनोज तिवारी ने दावा किया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा सफाई है। हालांकि उन्होंने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताई। नंबर वन अगर आप देखेंगे अनुशासन में, सफाई में, तो इस समय सोनिया विहार का ये इलाका आता है। वैसे भी यमुना जी में जल का दर्शन तो वो दिल्ली की सरकार की चिंता में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे एक आशा जगी है, मैं एसडीएम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, एमसीडी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ की सफाई व्यवस्था के साथ साथ पानी कितना गहरा है, इसका भी ये लोग ध्यान कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती लालू यादव से मिले तेजस्वी यादव। झारखंड के रांची में अस्पताल में भर्ती लालू यादव की तबीयत और बिगड़ने की खबरों के बीच उनके बेटे तेजस्वी यादव ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। प्रार्थना करते हैं और जो डॉक्टर हैं उन पर भरोसा है कि जल्द से जल्द इनके स्वास्थ्य में जो है इम्प्रूवमेंट आए। पंजाब के लुधियाना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सेना प्रमुख ने पश्चिमी संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति को अपनाने की अपील की। हमारे कल्चर के जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो आज भी मौजूद है।
महाराष्ट्र के पालघर में आग लगने से कार पूरी तरह से जल गई। यूपी के झांसी में एक लड़के का पिस्तौल से फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बिहार के नालंदा में आपसी विवाद में एक आदमी पर एक लड़के को गोली मारकर घायल करने का आरोप लगा। यूपी के सोनभद्र में आपसी रंजिश में कुछ लोगों पर एक महिला से मारपीट करने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर फेंकने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक लड़के का पिस्तौल से फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक लड़का अपने पिस्तौल से एक के बाद एक 6 राउंड फायरिंग करता है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। झांसी का ये मामला है जहां पर ये लड़का हवा में 6 राउंड फायरिंग करता है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये वीडियो किसका है और ये जो गोली चला रहा है ये लड़का आखिर कौन है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारकर हथियार समेत एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। एक शस्त्र बनाने की अवैध शस्त्र बनाने की जो देसी फैक्ट्री होती है उसको पकड़ा गया है। यूपी के बलिया में बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद दो गुटों में मारपीट हो गयी जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। बिहार के लखीसराय में कुछ लोगों पर एक लड़के को गोली मारकर घायल करने का आरोप लगा। छठ पूजा की तैयारियों के बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पुष्ता सोनिया विहार में घाट का निरीक्षण किया। हम एक बाड़ भी लगा रहे हैं पानी के अंदर, एक मार्क करेंगे कि उससे आगे नहीं जाना है। यूपी के आगरा में ताजमहल देखने के लिए अंदर जाने को लेकर हुए विवाद में पर्यटक और सीआईएसएफ जवान के बीच मारपीट हो गयी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अपने ही पिता पर हत्या और भाई पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार करने का दावा किया। यूपी के बागपत में कुछ लोगों पर लूट का विरोध करने पर एक छात्र की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। 2011 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। महिला T20 वर्ल्ड कप में मेजबान वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 60 रनों से हरा दिया। अपनी मां गौरी खान के साथ मस्ती करते हुए शाहरुख खान के बेटे अबराम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। राजस्थान के जयपुर में प्लाईवुड की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में लग गई। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। आग में लाखों के नुकसान का दावा किया गया।